देवरिया से एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां मकान गिरने की वजह से पति पत्नी और एक मासूम बच्ची की मौत हो गई है। आपको बता दें, सदर कोतवाली क्षेत्र के अंसारी रोड में एक पुराना मकान भरभरा कर गिर गया, जिसके मलबे में दबकर तीनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस मकान में पति पत्नी और उनकी मासूम बच्ची सो रही थी, जो मलबे में दब गई है। सूचना मिलते ही फौरन मौके पर एसडीएम सहित जनपद के आला अधिकारी पहुंचे, जिसमें देवरिया पुलिस अधीक्षक भी शामिल थे, जिसके बाद घटनास्थल का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया। मलबा हटाने का काम शुरू हुआ और मलबा हटाने के बाद उसमें से पति पत्नी और मासूम बच्ची का शव निकाला गया है। आपको बता दें कि मकान बहुत ही पुराना था और लगातार बारिश की वजह से मकान पूरी तरह हिल गया था, जिसकी वजह से अचानक मकान गिरा है। मृतकों में दिलीप गौड़ और उनकी पत्नी चांदनी गौड़ और 2 साल की मासूम बेटी पायल शामिल थी। देवरिया से फिरोज खान की रिपोर्ट। अंसारी रोड पर एक पुराना मकान की छत जो है गिर गई थी अर्ली मॉर्निंग। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच कर जो परिवार के 3 सदस्य थे, दिलीप कौर, उनकी पत्नी और बच्ची, उन्हें जो है रेस्क्यू किया गया और हॉस्पिटल लेके आए थे। मैं अभी यहाँ पे अस्पताल में हूँ और डॉक्टर्स के द्वारा 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया।